सर, सबसे पहले तो बलूचिस्तान अमन उमान को किस हवाले से देखते हैं आप? देखिए, बलूचिस्तान की ओवरऑल जो अमन उमान है उसमें अभी होम डिपार्टमेंट से एक वो रिपोर्ट भी शाये हुई है, उसमें हर लेवल की जो क्राइम्स है उसमें कमी आई है। आपकी स्ट्रीट क्राइम्स, आपके रोड क्राइम्स, आपके टारगेट किलिंग, सेक्टेरियन, एक दहशतगर्दी जो इंटरनेशनल वो है मसला है उसका पाकिस्तान जाएंगे। मिर साहब, दहशतगर्दों की सरकोबे के लिए महकमे दाखिला क्या इकदाम होता है? देखिए, मैं इसके लिए महकमे दाखिला पाकिस्तान के इंटेलिजेंस इदारों से मिलकर काफ़ी गिरफ्तारियां भी हुई हैं, काफ़ी लोग पकड़े भी गए हैं। अगर वो पकड़े नहीं जाते तो वो बहुत बड़ी तबाही करने आए थे। तो मैं समझता हूँ ये भी हमारे इदारों की एक बहुत बड़ी कामयाबी है कि उन्होंने दहशतगर्दों को का जो नेटवर्क है उसको तोड़ा है। अभी उनका जो बचा कुचा नेटवर्क रहता है वो अपनी कुछ कार्रवाइयाँ कर रहे हैं, उसको भी इंशाल्लाह जल्द हम पकड़ लेंगे। सर, बलूचिस्तान अवाम पार्टी में मुख्तलिफ अफवाहें गर्दिश कर रही है, तो आप क्या समझते हैं कि आया ये दुरुस्त है इख्तलाफात के हवाले से? देखिए, बलूचिस्तान अवामी पार्टी एक जमहूरी पार्टी है जिसमें इख्तलाफ राय होती रहती है, किसी वक्त इख्तलाफात बढ़ भी जाते हैं, लेकिन बलूचिस्तान अवामी पार्टी जो है कोई ऐसा फैसला नहीं करेगी जिससे जो है पार्टी के अंदर कुछ टूट फूट हो या कुछ वसी किस्म के इख्तलाफात हो। अब क्रूज बुजिंजो साहब तो वाजे कह चुके हैं कि हम फॉरवर्ड ब्लॉक बना रहे हैं साले भूटान के साथ, तो इस बारे में आपका क्या होगा? फॉरवर्ड ब्लॉक नहीं बना रहे हैं, उनका इख्तलाफ कुछ ज़्यादा है। हम उनसे भी मिल रहे हैं, वज़ीर आला साहब से भी, इंशाल्लाह हफ्ते दो हफ्ते में ये इख्तलाफात हम ख़त्म कराने में कोशिश कर रहे हैं कि कामयाब हो। सर, क्वेटा में आए रोज़ ये ब्लास्ट वगैरह हो रहे हैं, इसके हवाले से अमन उमान की मखदूज जो सूरत हाल है इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? जिस तरह मैंने आपको कहा कि क्वेटा आज से 5-6 साल पहले क्वेटा के हालात बहुत ख़राब थे, बाकी क्राइम्स कंट्रोल हो गए, एक दहशतगर्दी जो इंटरनेशनल मसला है जिसका पाकिस्तान भी शिकार है, खुसूसन हमारा सूबा बलूचिस्तान, उसके लिए भी हमारे इंटेलिजेंस इदारों की कुर्बानियां हैं, हमारे लेवीज़ की कुर्बानियां हैं, पुलिस की कुर्बानियां हैं। ये कुर्बानियां इंशाल्लाह रंग ज़रूर लाएंगे और वो भी इंशाल्लाह 2020-21 में इंशाल्लाह ख़त्म हो जाए। सर, अफगानिस्तान अफगान और अमेरिका वार में जिस तरह बलूचिस्तान काफ़ी मुतासर हुआ था अमन उमान के हवाले से, तो ये करंट पोजीशन जिस तरह है ईरान और अमेरिका की, इसके बारे में आया बलूचिस्तान मुतासर हो सकता है खुदा न खास्ता जंग की सूरत में? देखिए, जंग से जो है तबाही होती है, वो मुल्क भी तबाह होते हैं, खत्ते में भी इसके असरात पड़ते हैं। तो हम दोनों ममालिक से यही अपील करते हैं कि वो अमन का दामन ना छोड़े और मुजाकरात के जरिए अपने मसले हल करें। सर, माजी की तरह खुदा न खास्ता बलूचिस्तान भी इस जंग में कूद पड़ सकते हैं? नहीं, बलूचिस्तान हमसाया होने के नाते देखें, यहाँ जब जंग होती है तो तबाही फैलती है, तो ज़रूर उस पर के असरात हम पर भी होंगे, लेकिन हम फिर इंटरनेशनल दुनिया से भी अपील करते हैं कि इन दोनों ममालिक के बीच पड़े और इनको जो है अमन को तबाह करने ना दें। सर, बलदियाती इलेक्शन के हवाले से सूबाई सतह पर कोई इकदाम? बलदियाती इलेक्शन का जो पुराना निज़ाम है उसमें हम समझते हैं कि उनको इतना ना फंडिंग होती है ना इख्तियार हैं, हम इनको कुछ बाख्तियार बना कर ही कोई नया निज़ाम लाने की उसमें कोशिश कर रहे हैं। तो जिस तरह हम अपना होमवर्क कंप्लीट कर लेंगे, उसको पेश कर लेंगे कैबिनेट में, तो उसको लाने के बाद ही हम बलदियाती इलेक्शन इंशाल्लाह कराएंगे। सर, बलदियाती इलेक्शन में नया एक्ट लाएंगे सुबह हुकूमत के वाले से? इंशाल्लाह। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच।